अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अजीम योगा। दिस इज़ मी अजीम, आई एम योर फिटनेस फ्रेंड। तो कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? विंटर को इंजॉय कर रहे हैं? लाहौर का मौसम बहुत अच्छा है आजकल, जो है वो धूप भी लग रही है। आप बताएं, क्योंकि डिफरेंट सिटी से लोग देख रहे होते हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं पाकिस्तान से, और इवन कि इंडिया से भी जो है, बांग्लादेश दूसरी कंट्री से भी मेरे चैनल को देख के योगा प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो आप ज़रूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। दूसरे में ये डिस्कस करना चाहूँगा, 80-85% लोग ऐसे हैं जो योगा प्रैक्टिसेस करते हैं, कमेंट भी देते हैं, लाइक करते हैं, लेकिन उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो अगर आप जो है मेरी वीडियोस को देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, इस चैनल की जो है वो सपोर्ट हो जाएगी। और क्योंकि मैं आपके लिए जो है वीकली कोशिश करता हूँ कि योगा वीडियोस बनाऊँ विच हेल्प यू टू इम्प्रूव योर फिज़िकल हेल्थ एंड योर मेंटल हेल्थ। आज भी जो हम योगा परफॉर्म करने जा रहे हैं वो भी आपकी मॉर्निंग रूटीन के लिए है। अगर जैसे मैंने आपको पहले भी एक शॉर्ट रूटीन बताई थी कि अगर कोई प्रैक्टिस नहीं कर सकता तो कुछ योगा पोजेस थे वो प्रैक्टिस कर लें, राइट। ये भी योगा रूटीन है, छोटी सी, कुछ 5 से 6 हम योगा पोज प्रैक्टिस करेंगे। एटलीस्ट आपको मॉर्निंग में ज़रूर कर लेना चाहिए ताकि आपकी बॉडी अलाइंड हो जाए और आप जो है वो सारा दिन आप में एनर्जी सही होगी एंड यू विल फील द डिफरेंस। तो अगर आप अवेलेबल हैं, आपके पास टाइम है, तो आप योगा मैट ले आए और हम योगा को जो है वो प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे जी डीप ब्रीदिंग से विद अ ब्यूटीफुल स्माइल। आपने क्रॉस लेग पोजीशन में जिस तरह आपको कंफर्टेबल होता है आप उसको बैठ जाएं, ठीक है। कमर को आप स्ट्रेट कर लें, कंधों को उठाएं और पीछे की तरफ इस तरह से ले जाएं। गर्दन आपकी बिल्कुल स्ट्रेट होगी। आपने जो चिन है वो टक्ड इन करनी है और लंबे गहरे हमने सांस लेने हैं। नाक से सांस लेंगे और बैली को एक्सपैंड करेंगे। एक्सहेल करते हुए जो है वो बैली नॉर्मल पोजिशन पे आ जाएगी, ठीक है। तो 5 to 7 ब्रेथ आप जो है वो मेरे साथ लें। ब्रीद इन, एक्सपैंड योर बैली एंड ब्रीद आउट। आप ब्रीद आउट थ्रू नॉस्ट्रल भी कर सकते हैं, थ्रू माउथ भी कर सकते हैं। इनहेल आपने नाक से करना है, ठीक है। Two more breathing. Very nice, keep breathing. All right, very nice. तो रात को सोते हुए मॉर्निंग में जब उठते हैं तो बाज़ का हम देखते हैं कि हमारी नेक में कभी कभार खिंचाव को स्टिफनेस होती है। तो अगर ये हम परफॉर्म करेंगे तो विल बी एब्सोल्युटली परफेक्ट, हैप्पी एंड हेल्दी। तो हम लेफ्ट टू राइट अपनी नेक को रोटेट करेंगे एंड देन ऑपोजिट। ऊपर जाते हुए हम सांस इनहेल करेंगे, जैसे नीचे की तरफ आएंगे सांस को एक्सहेल करेंगे। 5 times हम ईच आप जो है वो मेरे से परफॉर्म करें। नीचे देखते हैं, सांस लें, यहाँ तक आपने इनहेल किया, यहाँ से आते एक्सहेल करना शुरू करते हैं। ब्रीद आउट नाइसली सी स्लो, आपने जो है वो मूवमेंट करनी है बाय एंगेजिंग ऑल नेक मसल। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, वेरी नाइस, स्लोली जेंटली मूव करते हैं नेक को। वेरी नाइस। अब हम रिवर्स परफॉर्म करेंगे। आपने कोशिश करना है कंधे आपके स्ट्रेट रहें और कमर भी आपके स्ट्रेट रहे। कंधे जहाँ है रिलैक्स और कमर स्ट्रेट। इनहेल करते हैं रिवर्स, one more time, breathe in and breathe out, get relaxed, ye pilam bigger saans bharte hain ji, inhale kare, belly ko expand kare, exhale karte hain belly aapki normal position pe aa jayegi, you can open up your eyes with a beautiful smile. sabse pehle jo hai wo hum breathing ko enjoy karenge, maximum oxygen lenge, uske baad hum jo hai wo neck ko rotate karenge, all right।
इसके बाद जो हम पोज परफॉर्म करने वाला है दैट इज कैट काउ. दिस इज वेरी गुड फॉर योर बैक. आपकी बैक बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगी, अलाइंड हो जाएगी. आपके जो हाथ हैं वो शोल्डर से नीचे होने चाहिए एंड योर नीज वुड बी अंडर योर हिप. ऑलराइट. अच्छा, हमने बैक को आर्च करना है नीचे की तरफ, इस तरह से करना है. बाजू पैक डेन होंगे, आगे की तरफ आप रोटेट कर सकते हैं, सामने की तरफ देखें. इनहेल, एक्सहेल करते हुए हमने स्पाइन को राउंड करना है और चिन को टक्ड इन करना है. हिप को थोड़ा सा फॉरवर्ड करें, कोर एंगेज चुके हैं, एक्सहेल करेंगे. ठीक है, 7 times परफॉर्म करें. ब्रीद इन, कमर नीचे की तरफ, सामने देखना है. एक्सहेल करते हुए स्पाइन को राउंड करना है और टक्ड इन करेंगे चिन को. ब्रीद इन, स्लो स्लो में से परफॉर्म करें. ब्रीथ आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, breathe in, very nice, keep going. Two more time. All right, अब हम जो है ना वो ऐसे पांव बिछा के और चाइल्ड पोज पे आ जाएंगे. ठीक है जी, ऐसे बैठ जाएं, बाजू एक्सटेंड कर लें नाइसली से, हम माथा ज़मीन पे लगा लें और इसी पोजीशन पे हमने चाइल्ड पोजीशन के बाद हमने डाउनवर्ड फेसिंग डॉग जो है परफॉर्म करना है. ठीक है जी, और फिंगर शुड बी सेपरेटेड, इस तरह से आ जाए. फिर पाँव को जो है वो फिंगर्स पे आ जाए, नीज को उठाएं. आपने शोल्डर्स को ये पहले तो इंटरलॉक होंगे, अंदर की तरफ होंगे आपके बाजू. आपने शोल्डर्स को आगे की तरफ फॉरवर्ड करना है और नीचे की तरफ. ठीक हो गया जी, इस तरह से. और अगर आप पाँव लगा सकते हैं एड़ियाँ पीछे तो आप इस तरह लगा के रखें. अदरवाइज़ अगर आप बिगिनर हैं तो आप कोशिश करें थोड़ी सी नीज को बेंड कर लें, लेकिन आपने नीचे की तरफ ज़रूर पुश करना है इस तरह, और हिप को मैक्सिमम ऊपर उठा के रखना है. हाथों से लेके हिप तक कोशिश करें स्ट्रेट लाइन डिफाइन हो. और 5 to 7 ब्रेथ इसी पोजिशन में आप मेरे साथ लें. वेरी नाइस. अगेन हम रखते हैं अपने घुटनों को ज़मीन पे और दोबारा चाइल्ड पोज पे आ जाते हैं. दो तीन लंबे करें सांस लें, अपनी बॉडी को नॉर्मलाइज करें, ब्रेथ को नॉर्मलाइज करें. स्लोली स्लोली गेट बैक. अब वज्रासन में बैठ गए पोजिशन में. अब हम जो है वो परफॉर्म करेंगे जी कोबरा पोजिशन, विच इज़ वेरी वेरी गुड फॉर योर बैक. बहुत सारे लोग जो हैं वो जिनको कमर का इशू होता है, उनको चाहिए कि रात जब सोते हैं तो सुबह उठते हैं तो राइट साइड पे करवट लेते हुए और स्लोली आपने उठना होगा. और अगर उसके बाद आप ये परफॉर्म करेंगे तो आई एम श्योर कि आपको कभी भी बैक का इशू नहीं होगा. तो लेट जाते हैं जी, पेट के बल ऐसे लेट जाते हैं. यहाँ चेस्ट के पास हाथ रखते हैं, पहले कोशिश करते हैं जितना हम खुद से कंधे को उठा सकें एंड देन स्लो स्लो हम ग्रेजुअली जो है वो अपना अपर बॉडी को उठाते हैं. आपने कोशिश करना है कंधे नीचे की तरफ आपने स्ट्रेच किए हो. ठीक है, ऊपर के कानों तक ना हो, नीचे की तरफ स्ट्रेच किया. और 5 to 7 ब्रेथ जो है वो इसी पोजिशन में लें. Two more breaths, deep breath लें जी. And again slowly जो है वो child position में हम लोग जो है वो आ जाते हैं. दो तीन लंबे कर अगेन सांस लें. Very nice. अब जो है ना वो हम ब्रिज पोज जो है वो हाफ ब्रिज पोज परफॉर्म करते हैं. ऐसे कमर के बल लेट जाएंगे,
जितना मैक्सिमम हो सके हमने हिप के पास पाँव ले आने, ठीक है जी। हाँ, यहाँ रख लेते हैं, इसको स्लो स्लो हमने उठाना है इस तरह। पहले हम 7 times करते हैं, इनहेल स्लो स्लो, लेट इट गो, ब्रीद इन, ब्रेथ आउट, ब्रीद इन, फोर, फाइव, सिक्स। अब 7 पे हम होल्ड करते हैं इस तरह से, नाक से ऊपर उठा कर रखते हैं, और 5 to 7 ब्रेथ तक जो कंफर्टेबली इन बिटवीन जो है आप सांस लें और इसको होल्ड करके रखें। आपके थाइस पे, आपके बैक पे अच्छा खासा फोकस होगा। More to breath. Slow, slow जो है वो exhale करते हुए कमर जमीन पर रखें, hug your legs, दोनों legs को पकड़ लें ऐसे, और slow, slow left and right जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हुए आपके back की जो है वो मसाज हो जाएगी। This pose even help to cure the constipation. You will definitely get relief. तो slow, slow हम left and right जो है वो मूव करते रहते हैं। और जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि मॉर्निंग में अगर आप सोते हैं तो आपको इस तरह उठना चाहिए, राइट साइड पे आपको करवट लेनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आप राइट साइड पे इस तरह सो रहे हैं, इस तरह सो रहे हैं, ठीक है जी। ये इस लेफ्ट हैंड का आपने सहारा लेना, इसको पुश किया एंड देन इसको पुश करते हुए आपने इस तरह से उठ जाना है। उससे क्या होगा कि आपके मसल्स जो होते हैं अगर वो रिलैक्स्ड हैं सुबह रात सोने की वजह से, तो वो एकदम उसको जर्क नहीं देनी हमने, ठीक है। वो जो है ना वो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो राइट साइड से हम सुकून से आराम से जो है ना वो उठ के बैठ जाएंगे। अच्छा, ये चंद पोजेस जो मैंने आपको बताया है वो आप पोजेस जो है ना उसको परफॉर्म कर लिए करें। दूसरा ये है कि 5 minutes जस्ट मेडिटेशन को परफॉर्म कर लिए करें। मैं आपके साथ जो है ना वो कुछ टाइम तक मेडिटेशन परफॉर्म करता हूँ। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया भी दे देता हूँ कि आप किस तरीके से मेडिटेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। सेम हम इस पोजिशन में बैठे हुए हैं, आप इस तरह भी बैठ सकते हैं हाफ लोटस पोजिशन में, ठीक हो गया जी। कंधे रिलैक्स, जो है ना कमर बिल्कुल स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम इसमें नाक से इनहेलेशन देते हैं, नाक से एक्सहेलेशन करते हैं, और जो हमारा साउंड होता है उसका, उसको सुनने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मेडिटेशन में हम किसी एक चीज़ को इतना ज़्यादा फोकस करते हैं कि बाकी चीज़ों से हम डिटैच हो जाए। तो कुछ देर हमें इस तरह की भी परफॉर्म करना चाहिए। और लाइक तो आप इस तरह स्ट्रेट बैठ जाएँ, कमर स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट, क्लोज योर आइज, आपने आंखें बंद कर लेनी है और सांस लेना है, इनहेल करना है, एक्सहेल करना है थ्रू नॉस्ट्रल, डीप ब्रीदिंग करनी है, और उस सांस को बहुत आपने क्लोजली सुनने की कोशिश करनी है ताकि कोई भी और चीज़ आपके दिमाग में ना आए, सिर्फ आप अपने सांस को फोकस कर रहे हों, ठीक है। और जो मैं आपसे कह रहा हूँ आप उसको फोकस कर रहे हैं। ब्रीद इन, और आपकी जो ब्रीदिंग होगी वो बैली ब्रीदिंग होगी, इनहेल करते हुए आपने बैली को एक्सपैंड करना है। कीप फोकसिंग, आपको ये भी पता हो फुली आपने जो है ना माइंडफुली इसको ब्रीदिंग लेनी है। जब आप इनहेल कर रहे हो, एक्सहेल कर रहे हो, आपने इस पे भी फोकस करना है कि जो साउंड आ रहा है और इनहेल हो रहा है और एक्सहेल हो रहा है, यानी कि सांस आप ले रहे हैं और अब सांस जो है वो एक्सहेल कर रहे हैं, इसको भी आपने बहुत क्लोजली जो है वो फोकस करना है। फिर इसको बिल्कुल रिलैक्स कर दें, बहुत ज़्यादा ज़ोर से आपने टीथ ना मिलाएं, बिल्कुल रिलैक्स आपका फेस होगा, बॉडी रिलैक्स, कीप फोकसिंग ऑन योर ब्रेथ।
फोकस करें कि हर इनहेल में आप पॉजिटिव एनर्जीज़ को इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल में आप तमाम नेगेटिव एनर्जीज़ को, नेगेटिविटी को एक्सहेल कर रहे हैं। बेली ब्रीदिंग करते रहें, इनहेल करते हुए बेली को एक्सपैंड करते रहें। यू कैन कंटिन्यू इट मोर देन 5 मिनट्स एवरी डे इन द मॉर्निंग आफ्टर दीज फ्यू पोजेस एंड आई एम श्योर यू विल लव इट। तो मेडिटेशन ऐसा होता है कि सम टाइम बट आई हैव नोटिस्ड माई सेल्फ दैट वी एक्चुअली गेट अफ्रेड बींग अलोन, राइट? सो द मेडिटेशन हेल्प अस टू गेट दैट स्टेट ऑफ नाउ कि अगर हम फॉर एग्जाम्पल इफ यू डूइंग नथिंग स्टिल वी कैन बी हैप्पी एंड हेल्दी। आपने देखा होगा, मैं भी अपने आप को ऑब्जर्व करता हूँ बिकॉज द योगीज आर ग्रेट ऑब्जर्वर, दे डू हैव मोर बॉडी अवेयरनेस। मैं भी देखता हूँ कि जब घर में कुछ करने को नहीं होता तो मैं मोबाइल यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है? वी एक्चुअली गेट अफ्रेड ऑफ बींग अलोन। तो आप ज़रूर मेडिटेशन को परफॉर्म किया करें। और बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि जब मेडिटेशन परफॉर्म करते हैं तो हमें बहुत सारे ऐसे थाट आते हैं जिसको हम एस्केप करना चाहते हैं। थाट्स आर द थाट्स, दे हैव नथिंग टू डू विद योर सेल्फ। आप क्या किया करें, आप अपने थाट्स को आपने एस्केप नहीं करना, उसे जान नहीं छुड़ानी, जस्ट फोकस दैट और देखें कि क्या होगा, मैक्सिमम क्या हो सकता है, वर्स से वर्स क्या हो सकता है। देर इज़ अ टाइम कि आप कहेंगे यार दिस इज़ समथिंग वेरी नॉर्मल। तो अगर वो हम चीज़ को अचीव कर लें तो फिर आपको फील हो जाएगा कि जो भी हमारे माइंड में थॉट्स आते हैं दैट इज़ द वे आवर माइंड वर्क, राइट? वी कैन स्टिल हैप्पी एंड हेल्दी वट एवर द थॉट वी आर हैविंग। तो आई एम श्योर यू डू लाइक द सीक्वेंस एंड द वर्कआउट एंड द योगा। आप ज़रूर परफॉर्म करें, इसको बेशक सेव कर लें, डाउनलोड कर लें, डेली आप प्ले कर सकते हैं, अपने फ्रेंड एंड फैमिली को भी शेयर करें। जिस तरह आपको अच्छा फील हुआ इसको प्रैक्टिस करके वो भी अच्छा फील करेंगे और आपको और मुझे जो है वो ढेर सारी दुआएं देंगे। मैं भी आपके लिए ढेर सारी दुआ करूँगा, आप भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा। कुछ भी अगर आपने पूछना हो मेरे से, अजीम योगा इंस्टाग्राम अकाउंट है AXWMYOGA, डू टेक्स्ट मी, आई वुड लव टू रिप्लाई यू देयर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।